उत्तर प्रदेश के मथुरा रेलवे स्टेशन के प्लेटफॉर्म नंबर 8-9 से 24 अगस्त की सुबह 7 महीने के जिस बच्चे को चुराया गया था, किडनैप किया गया था, उसे मथुरा जीआरपी ने फिरोजाबाद से एक बीजेपी नेता के घर से बरामद कर लिया है। जी हां, पुलिस ने जब पूरा केस खोला तो हर कोई दंग रह गया। सीसीटीवी में आरोपी का चेहरा साफ तौर पर नजर आ रहा था और पुलिस ने इसी की मदद से इस केस को सुलझा लिया। मामले की जांच करती पुलिस फिरोजाबाद के थाना दक्षिण क्षेत्र स्थित बूरे वाली गली पहुंची, जहां बीजेपी की महिला पार्षद विनीता अग्रवाल का घर है। विनीता के घर से ही रविवार रात 12:30 बजे बच्चे को बरामद कर लिया गया। पुलिस ने इस मामले में 8 लोगों को गिरफ्तार किया है। इस वारदात के पीछे बच्चा चुराने वाले गैंग का हाथ था, जो बच्चों को इसी तरह किडनैप करके निसंतान दंपतियों को बेच दिया करता था। गिरफ्तार 8 लोगों में 6 गैंग के सदस्य हैं, जिनमें एक डॉक्टर दंपत्ति भी शामिल है, जबकि बाकी 2 लोग बच्चा खरीदने वाले हैं। 1,80,000 में बीजेपी पार्षद ने खरीदा था बच्चा। इस गैंग के सदस्य बच्चे चोरी करके निसंतान दंपत्ति या बच्चा चाहने वाले ग्राहकों को बेचता था। ये गैंग आमतौर पर लावारिस बच्चों को निशाना बनाता था और अगर कोई लावारिस बच्चा ना मिले तो रेलवे स्टेशन या बस स्टैंड जैसी जगहों से इसी तरह बच्चों को उठा लिया करता था। मथुरा जंक्शन से चोरी किए गए 7 महीने के मासूम को फिरोजाबाद निवासी दंपत्ति विनीता अग्रवाल और कृष्ण मुरारी अग्रवाल को 1,80,000 रुपए में बेचा गया था। जो आप लोगों ने फुटेज देखा होगा, वो आदमी जो है वो दीप कुमार है, जो बच्चा जो है वो उठा करके ले गया था। फिर उसके बाद हमें पता चला कि पूरा एक ऑर्गेनाइज इनका गैंग है, पूरा एक जिसमें कई लोग शामिल हैं, जिसमें बच्चा चोरी करने वाले हैं, बच्चा बेचने वाले हैं, इसमें कुछ 2 महिलाएं भी शामिल हैं जो ANM का काम जो है वो हाथरस में करती हैं, और उनके द्वारा जिस भी दंपति को बच्चे नहीं होते हैं उनका क्या करते हैं कि वो लोग उनके पास आते हैं, फिर वो हॉस्पिटल वाले के पास ले जाते हैं और वहाँ पर ये बच्चे को बेचा जाता है और खरीदा जाता है और उनके जो भी लोग हैं उन तक पहुँचाया जाता है। तो इसी में पूरे जो सिंडिकेट था तो उसमें हमने बच्चा जो है बरामद किया है, जो उस बच्चे का नाम संजय है उसको हमने बरामद करके उसके माँ बाप को जो है वो सुपुर्द किया है, और इसमें जितने भी लोग इसमें शामिल थे उन्हीं लोगों को हमने सभी लोगों को अरेस्ट किया है। ये पूरा मामला है। पुलिस अब ये जांच कर रही है कि इस गैंग ने पहले कितने बच्चों को इसी तरह किडनैप किया और कहां-कहां बेचा है। NBT ऑनलाइन की रिपोर्ट।